भारत समेत कई देशों में सरकार सैलरी से लेकर अन्य इनकम पर अलग अलग तरह की टैक्स लेती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सरकार अपनी जनता की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लेती है। जी हां, आपने सही सुना, इस देश में सरकार टैक्स नहीं लेती है। हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई देश की, जहाँ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दौरे पर थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में ब्रुनेई दौरे पर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये देश कम आबादी वाला है, लेकिन यहाँ की जनता को सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है। जानकारी के मुताबिक इस देश की आबादी भी सिर्फ 4.5 लाख लोगों की है, लेकिन इस छोटे से देश के लोगों की लाइफ स्टाइल हाई क्लास की है। इतना ही नहीं, दुनिया के इस छोटे से देश का सुल्तान हसनल बोल्किया सबसे अमीर शख्स की सूची में शामिल है, जो बाल कटवाने में 16 लाख रुपए खर्च करता है। उनके हेयर स्टाइलिस्ट प्राइवेट चार्टर प्लेन से बुलाए जाते हैं। भारत समेत दुनिया भर के अधिकांश देशों में सरकार अपनी जनता से अलग अलग कमाई पर टैक्स वसूलती है, लेकिन ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहां सरकार अपनी जनता की निजी कमाई पर कोई टैक्स नहीं लेती है। यही कारण है कि ब्रुनेई को टैक्स हैवन भी कहा जाता है। खास बात यह है कि यह राहत सिर्फ यहाँ के नागरिकों को ही नहीं बल्कि प्रवासियों को भी दी जाती है। बता दें कि ब्रुनेई की सरकार लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रुनेई आखिर इतना अमीर कैसे बन गया है। दरअसल ब्रुनेई के नियम भी कुछ ऐसे हैं जो इस देश को खास और टैक्स फ्री देश बनाता है। यहाँ की टैक्स पॉलिसी और गोपनीय कानूनों के कारण ब्रुनेई को टैक्स हेवन बनाता है, जो आम इंसान को राहत देने के साथ व्यापारी निवेशकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ लोगों की निजी इनकम पर टैक्स नहीं लगता। ऐसे में यह देश उन लोगों के लिए खास है जो टैक्स से बचना चाहते हैं। यहाँ 18.5% का कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इसके अलावा अपने देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स से खास छूट देती है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां यहां बिजनेस शुरू करना पसंद करती है। वहीं निवेश से मिलने वाले फायदे पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इसके अलावा ब्रुनेई की दूसरी खासियत यह है कि यहां की गोपनीय कानून किसी विदेशी को यहाँ के खाता धारकों के बारे में जानकारी मिलना नामुमकिन है, क्योंकि यह जानकारी गुप्त रहती है। करेंसी एक्सचेंज को लेकर भी यहाँ मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। इस तरह पूंजी को देश से बाहर ले जाने में और यहाँ वापस लाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि ब्रुनेई को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। ब्रुनेई की गिनती दुनिया के समृद्ध देशों में की जाती है। इसके पीछे की वजह है कि 1929 में सेरिया इलाके में तेल का खजाना खोजा गया। ब्रिटिश मलायम पेट्रोलियम कंपनी ने ब्रुनेई में पहला कुआं खोदा था, जिसे अब रॉयल डच शेल कहा जाता है। तेल ने ब्रुनेई की विशेष पहचान दिलाई और यह देश महत्वपूर्ण तेल उत्पादक के तौर पर बनकर उभरा है। उस देश का तेल और प्राकृतिक गैस की ही अर्थव्यवस्था की नींव है और यहाँ की GDP आधा हिस्सा तेल और गैस के जरिए ही आ रहा है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।